अस्सलाम वालेकुम, आपको वसीम पॉइंट टीवी में खुशामदीद। ब्राय करम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की ये वीडियो इस्लामिक इक्तसाबात की अहमियत, जिंदगी और रूहानियत के बारे में खूबसूरत इस्लामिक इक्तसाबात जो मुस्बत जहनी सेहत में मदद करते हैं। ये ताकत और लचक को फरोग देने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को इन तरीकों से काम करने में मदद मिलती है, जिससे इन्हें जिंदगी में फायदा पहुंचे। मुशावरत की नफसियात भी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली के अंसर के तौर पर शुक्रगुजारी पर भी मनहसर है। खूबसूरत इस्लामिक इक्तसाबात हमें ये भी बताते हैं कि इस्लाम किस तरह लोगों को शुक्रगुजारी का दर्स देता है। शुक्र के तसव्वुर का नफसियाती मसाइल, जिसे डिप्रेशन, तनाव और परेशानी के साथ उल्टा ताल्लुक है, कुरान की आयात को भी उल्मा ने दिमाग के मुख्तलिफ हादसात के हल के तौर पर हासिल किया है। ऐसा ही एक खूबसूरत इस्लामी इक्तसाबात उस किताब में मरकूज है, जिसमें कहा गया है, ए अल्लाह, मैं बेचैनी और गम, कमजोरी और सुस्ती, कंजूसी और बुजदली, कर्जों के बोझ और लोगों के गलबा से तेरी पनाह मांगता हूँ। ये एक मकबूल दुआ है जो परेशानी, उदासी या अफसुर्दगी के लिए तजवीज की गई है। वो हदीस है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लोगों की इस्लामी रहनुमाई के लिए बयान की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदगी में हर मुश्किल और परेशानी के हल और रहनुमाई के लिए कुरान मजीद की आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा अहदीस में मौजूद है। जिंदगी के बारे में इस्लामिक इक्तसाबात बनी नौ इंसान में इतिहाद का इशारा देते हैं। इस्लाम किसी भी किस्म की नस्ल परस्ती का प्रचार नहीं करता। इस्लाम में सिर्फ उम्मत का तसव्वुर है और इस उम्मत में कोई दर्जाबंदी और तबाकियत नहीं है। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करें।